तो देखिए, जहां छठे चरण के लिए आप प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, बीजेपी 400 पार की नारे को बुलंद कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन की जीत की डुगडुगी बजती हुई सुनाई दे रही है उसकी तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जो लगातार ताबड़तोड़ प्रचार करने में जुटे हुए हैं और आज यूपी और बिहार में वो प्रचार प्रसार करेंगे, इसी से जुड़ी आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पांच चरण पूरे, दो चरण बाकी, सियासी जंग जारी, पिक्चर अभी बाकी, जीत की ललकार, मिशन 400 पार। विपक्ष का पलटवार, जंग जोरदार। लोकसभा चुनाव के पांच चरणों के मतदान के संपन्न होने के बाद 429 सीटें ईवीएम में लॉक हो गई हैं। बीजेपी 400 सीटों पर जीत के दावे कर रही है और अभी दो चरणों के मतदान होने बाकी हैं। दो चरणों में 114 सीटों पर अभी वोटिंग बाकी है। अब राजनीतिक दलों ने छठे चरण के रण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होंगे। दिल्ली हरियाणा की सभी सीटों पर इस चरण में ही वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होना है। पीएम मोदी छठे और सातवें चरण में दिल्ली, हरियाणा और बंगाल में बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। बंगाल में पीएम मोदी ने फिर ममता सरकार को घेरा। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुला कर बसा रहे हैं। आप मुझे बताइए, घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं, एक किसकी जमीन पे कब्जा करते हैं? हमारे दलित, हमारा पिछड़ा, हमारे आदिवासियों की जमीन पर एक कब्जा करते। टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। वहीं मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर भी पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर प्रहार किया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। ये इंडी अलायंस वाले, कांग्रेस वाले, उनके साथी पूरी तरह 100% ये कम्युनल है। 24 के इस चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की इस मुस्लिम लीग की सोच का नकाब उतार दिया है। पांच चरणों के बाद 80% चुनाव पूरा हो चुका है। 49 सीटें मिलाकर आंकड़ा 400 के पार जा चुका है। सूरत समेत अब तक 429 सीटें लॉक हो गई हैं। अब दो चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग बाकी है। आज छठे चरण के लिए पीएम मोदी सुबह 11 बजे पूर्वी चंपारण बिहार में प्रचार करेंगे। दोपहर 12:30 बजे महाराजगंज में पीएम की मेगा रैली है। फिर दोपहर करीब 4:45 बजे प्रयागराज में पीएम मोदी की सभा होगी। उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र काशी में शाम 5:30 बजे पीएम मोदी नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में 25,000 महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इंडी गठबंधन भले ही बीजेपी के विजय रथ को 400 से नीचे रोकने का दावा करे, बीजेपी शाह और योगी कह रहे हैं आएंगे तो मोदी ही। चार चरण में मोदी जी पूर्ण बहुमत 270 सीटें प्राप्त कर चुके हैं। पांचवा, छठा, सातवा
मोदी जी को 400 पार कराएगा। लेकिन देश निश्चिंत है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो जो जनता कहती है ना कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे तो। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंचने वाला है, 2 चरण बाकी है। 14 दिन बाद नई सरकार का फैसला हो जाएगा। ज्यादातर जनता ने वोट कर दिया है, अब देखना होगा कि मोदी रिकॉर्ड बनाते हैं या फिर इंडी गठबंधन का दावा सच साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।